उस्मानिया इदारा हर आँख का तारा। अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم معزز سامعین بزرگوں دوستو اور عزیزوں आज रजब अल मुरज्जब की आखिरी तारीख है तो इस रजब अल मुरज्जब में ज़्यादातर जलसे बयानात मेराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते हैं। अगरचे ये कोई इत्तेफाकी कौल नहीं चूँकि ये दिन मनाया नहीं जाता था, मेराज तो हक है, उसका जिक्र तो कुरान पाक में है, बाकी तारीख में इख्तिलाफ है। इतना इत्तेफाक है कि हिजरत से पहले एक साल, दो साल, छः महीने, आठ महीने, कितने, इसमें बड़ा इख्तिलाफ है। कौन सा महीना था इसमें भी इख्तिलाफ है। कोई इख्तिलाफ होता रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेराज तो हुआ है ना। मेराज कुरान पाक में दो जगह इसका जिक्र है और इसके हिस्से भी दो हैं। एक हिस्सा ज़मीनी है और एक आसमानी। ज़मीन में जो मेराज हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुआ है, और आसमानों पर जो मेराज हुआ वो ज़मीन से आसमानों और आसमान से आगे जहाँ तक अल्लाह ने चाहा। उसमें बहुत सी चीज़ों का जिक्र आता है। सात आसमान हैं और सात ही आसमानों पर आठ अंबिया से भी मुलाकात हुई। अल्लाह ताला जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी। तो एक रात में ये सब कुछ हुआ, एक रात के एक हिस्से में। 13 साल नबूवत के बाद आप मक्का मुकर्रमा में रहे और दीन की तबलीग करते रहे। दरमियान में 3 साल पोशीदगी के साथ, बाकी 10 साल जो हैं वो खुले बंदूक आपने तबलीग की है और आपके शागिर्दों ने, जिनको हम सहाबा किराम कहते हैं, जो कायनात में अंबिया के बाद सबसे बड़ी शान रखते हैं सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके शागिर्दों ने, सहाबा किराम ने दीन की खातिर बहुत तकलीफ़ें उठाईं। किताबों में उनकी तफसील मौजूद है। कोई भी ईज़ा ऐसी नहीं थी जो मुशरिकीन ने सहाबा किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना आजमाई हो। हर किस्म की तकलीफ़ें दी, नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे, परेशान करते थे। तो थक हार जो जाता है आदमी कोई काम करते करते, तो इतनी 10 साल बल्कि 13 साल परेशानी के हैं। और मक्का छोड़ के ताइफ जाते हैं ताकि वहाँ के लोग मान, वो उनसे भी ज़्यादा सख्ती के साथ पेश आए। इस वास्ते जब आपसे पूछा गया कि आपको तकलीफ़ सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, आपने फरमाया
जब तौफ में मैं गया ना, तौफ वालों ने जो मेरे साथ सलूक किया वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे था, तौफ वालों। तो आपका एहसान भी सबसे ज़्यादा उनके साथ है। उन्होंने बच्चे पीछे लगाए, पत्थर मारे, आवाज़ें कसे, पता नहीं क्या से क्या नहीं किया, आप बेहोश होकर गिर भी गए। एक साथी आपका जो है ग़ुलाम हज़रत हारसा जैद बिन हारसा साथ था। अल्लाह अकबर। तो उसी मौका पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर के आए कि ये एक फ़रिश्ता मलिकुल जिबाल मेरे साथ है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसको जो भी हुक्म देंगे ये वो कर लेगा। मलिकुल जिबाल यानी पहाड़ों का फरिश्ता, अल्लाह ताला ने कुछ निज़ाम फरिश्तों के ज़िम्मे लगाए हुए हैं, हुक्म तो अल्लाह ही का है, ये आप कर लें, ये वो कर लें, वो कर लें। तो हाजिर हुआ, उसने कहा आप अगर हुक्म दें तो मैं मक्का और ताइफ के पहाड़ों को मिलाकर इन सब लोगों को पीस दूं। ये अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि जाकर मेरे महबूब से ये कहें। आपने फरमाया नहीं, ये मैं नहीं चाहता, ये मुसलमान नहीं होते तो हो सकता है इनकी औलाद मुसलमान हो जाएगी, मैं इनको हलाक करने के लिए नहीं कहूँगा। तो कितना बड़ा एहसान हो गया, वहाँ अगर कह दे, बंदा जब गुस्से में होता है, परेशानी में होता है तो कह देता है ठीक है जी रगड़ दो, उन्होंने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, फरमाया नहीं। फिर वहीं के लोग वाकई बाद में बड़े बड़े सहाबा में उनके नाम आते हैं, बड़े इल्म वाले, बड़े तकवा वाले भी वहाँ से निकले हैं। तो तकलीफ़ें पहुँचाई गईं, आपने सहा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया चलो इतनी तकलीफ़ें दीन की खातिर उठाई हैं तो हम आपको सैर ही करा देते हैं। और सैर भी अजीब, एक ही रात के अंदर तफसील से वाकया, मैं वो सारा तफसील से नहीं बयान करता, वो मुख जो हमारे लिए इबरत की और सबक की चीज़ें हैं वो वही अर्ज करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा की तरफ जब ले जाने लगे, एक बुराक लाया गया, एक जानवर है सवारी का, हदीसों पर आता है गधे से बड़ा और खच्चर से ज़रा छोटा, और बुराक बर्क से बना है, बर्क का माना बिजली, वो इतना तेज़ चलता था जहाँ उसकी नज़र जाती थी उस वहाँ उसका कदम पड़ता था, इतना तेज़ वो जाता था। नज़र बहुत दूर तक चली जाती है अंदाज़े, तो इस वास्ते वो भी दूर, इस वास्ते थोड़े से टाइम में उधर पहुंच गया वहाँ, और साथ चार जगह नमाज भी पढ़ी, दरमियान में रुक जाते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सामने थे, इस जगह आप उतरें यस्रिब में, जहाँ मदीना मुनव्वरा, आप मदीना मुनव्वरा है आपकी हिजरत की जगह, वहाँ रुके तो वहाँ भी दो रकात नमाज नफिल पढ़ी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस पहाड़ और जिस वादी में अल्लाह ताला से कलाम करते थे वहाँ रुके तो वहाँ भी आपने नमाज पढ़ी। जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, बैतुल्लहम उसको कहते हैं, वहाँ भी उतरे और दो रकात नमाज पढ़ी। और मदियन से जब गुजरे तो मदियन में भी एक जगह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, वहाँ भी नमाज, चार जगह पर आपने नमाज पढ़ी और जिब्राईल अलैहिस्सलाम बताया ये फला फला जगह है। तो मालूम होता है कि मुतबर्रिक जगह चगी जगह पहुँचे तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ नमाज पढ़े। मस्जिद में जाए बाद लोग मस्जिद देखते हैं, मस्जिद में मस्त बादशाही मस्जिद में गए जी फलां मस्जिद में, लेकिन फिर टूर की तस्वीरें बना के चले जाते हैं। सबसे पहले आकर मस्जिद में जाओ तो नमाज पढ़ो, फ़र्ज नमाज का टाइम है तो फ़र्ज, वरना तहियतुल मस्जिद
بشرطے کہ مکروہ ٹائم نہ ہو جو نفل نفل پڑھنے کا ٹائم ہو جس وقت داخل ہوں. دو تین ٹائم ہیں جس میں نفل جائز نہیں ہوتے. تو چار جگہ پر آپ نے متبرک جگہیں یہاں نماز پڑھی اور سبق دے دیا. جب بھی متبرک جگہ کب مسجد قباء میں جاؤ, کسی مسجد میں جاؤ, جہاں کہیں مسجد نبوی میں جاؤ, مسجد کسی مسجد میں جب آپ جاتا ہے متبرک جگہ ہیں تو یہاں نماز پڑھا کرو, دعائیں مانگا کرو. دوسرا, اسی سفر کے اندر ایک بڑھیا کوزہ سی ملی, بالکل ہڈیاں تھیں. اس نے آپ کی طرف آپ کو بلایا, متوجہ کرنے کی کوشش کی. حضرت جبرائیل نے کہا اس کا کوئی جواب نہیں دینا, آگے چلیں. پھر آگے بوڑھا ملا, وہ بھی کمزور سا, اس نے بھی متوجہ کرنے کی کوشش کی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کو بھی جواب نہیں دینا, آگے چلے. آگے تین حضرات تھے, ان نے سلام پیش کیا. آپ نے کہا ان کا جواب دیں. انہوں نے کہا السلام علیکہ یا اول, السلام علیکہ یا آخر, السلام علیکہ یا حاشر. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا جو بڑھیا تھی وہ دنیا کی شکل آپ کو دکھائی گئی. یہ جو بن ٹھن کے آپ کے سامنے آتی ہے نا, لوگ دنیا کے متوالے ہوتے ہیں, یہ دنیا کی یہ شکلیں, بہترین کوٹھیاں, بہترین عورت, بہترین کپڑے, بہترین سواریاں, یہ دنیا کی شکلیں ہیں سامنے ہمارے. فرمایا یہ اصل حقیقت اس کی یہ ہے, جس طرح کمزور بڑھیا ہو, اور بڑھیا کی پھر عمر بھی بہت چھوٹی ہو, ختم ہونے والی ہے, کیونکہ آپ اس عمر تک پہنچ جائے تو پھر موت ہی ہوتی ہے آگے. تو بتانا یہ تھا کہ اب دنیا کی عمر اتنی کمزور رہ گئی ہے, بس یہ بڑھیا ہے, کیونکہ یہ آخری امت ہے, اس کے بعد قیامت آئے گی. اور وہ بوڑھا آدمی جو تھا, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شیطان ہے, آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا. یہ چیز اسی دنیا کو یہ اور سرخی پاؤڈر لگا کر خوبصورت بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ وہ شیطان ہے. اس کی شکل آپ کو دکھائی گئی, وہ ساری شکلیں بنا سکتا ہے, توانا بھی ہو سکتا ہے, موٹا بھی ہو سکتا ہے, عورت کی شکل بھی بن سکتا ہے, مرد کی, جن کی, ہر شے کی شکلیں وہ بن سکتا ہے, چونکہ جن سارے شکلیں بدل سکتے ہیں, وہ جنوں میں سے ہے. تو اس کی شکل دکھائی گئی کہ یہ حالت ہے, جو لوگ دنیا کے لوگ شیطان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں اس کی تو یہ حالت ہے. اور جو تین شخصوں نے آگے سلام کیا آپ کو, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, غالباً حضرت ایک ہارون علیہ السلام تھے. یہاں ملاقات ہو گئی, بعض نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا, آگے چلیں. آگے راستے میں اور بھی بہت سی چیزیں دیکھیں. ایک یہ دیکھا, یہ چونکہ عبرت کی چیزیں ہیں راستے میں بیان کر رہا ہوں, یہ چیزیں جو آپ نے دیکھی اپنی آنکھوں سے, ہمیں تو آپ کی زبان پر اعتماد ہے, جو آپ نے کہہ دیا وہ سچ ہے. اور پھر آپ کو بھی اللہ کی بات پر, جبرائیل علیہ السلام کی بات پر پورا یقین تھا. لیکن ایک چیز جو ہے, آنکھوں سے جب دیکھے آدمی تو زیادہ اعتماد آ جاتا ہے. لیس الخبر کل معاینۃ, خبر دیکھنے کے برابر نہیں ہوتی. دیکھنے سے جو یقین ہوتا ہے خبر سے نہیں آتا, اگرچہ خبر سے بھی یقین آتا ہے, لیکن برابری کریں تو پھر دیکھنے والی چیز جو ہوتی ہے اس کو ترقی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے منہ پر مارتے ہیں اور اپنے منہ کو چھیل رہے ہیں اور خون نکال رہے ہیں, خراشیں پڑ رہی ہیں, زخم نکل رہے ہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی, فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں. جو لوگ آپس میں بیٹھ کر نا تو آپس میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تیسرے بندے کی بات کرنا, وہ یہاں موجود نہیں, اور اس کے عیب خواہ اس کے اندر پائے بھی جاتے ہوں پھر بھی غیبت کہلاتی ہے. اس کو یہ یعنی غیبت کرنے والوں کو یہ عذاب ہوتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے منہ کو چھیل لیں. اور ایک قوم کو دیکھا کچھ نہر کے اندر غوطے کھا رہے ہیں اور پتھروں کو لقمہ بنا رہے ہیں.
बाद रिवायत में वो नहर भी पानी की नहीं खून की है, और वो पत्थर जो हैं वो खा रहे हैं, ये कौन है? ये सूद खाने वाले लोग हैं, उनकी शक्ल बताई गई। सूद बड़े मज़े से खाया जा रहा है, चलो जी बैंक में जमा कराओ और जो सूद मिलता रहेगा खाते रहेंगे, असल की रकम पड़ी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि ये लोगों के खून चूसने वाले उनकी नहर बन के उसके अंदर ये होते खाएंगे और पत्थर खाएंगे, ये सूद खाने वालों की शक्ल बनाई बताई। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इसके मुकाबले में कुछ लोग हैं खेती लगाते हैं और तैयार हो जाती है, काट लेते हैं उठा लेते हैं फिर खेती तैयार हो जाती है, अब खुद ब खुद लग जाती है, उसको काटते हैं उठाते हैं फिर लग जाती है, ये कौन है? हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम ने फरमाया ये मुजाहिदीन हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, इनका अमल इस तरह 700 बार बढ़ जाएगा कम अज़ कम, ये खेती इनकी तैयार होगी बढ़ेगी, अब तैयार होगी बढ़ेगी उठाएंगे और बनेगी, अल्लाह ताला और से और देंगे, ये अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम अपनी आँखों से देख कर आए। इसी तरह आपने देखा एक आदमी है वो लेटा हुआ है, दूसरा उसके सर पर पत्थर मारता है, उसका सर जो है वो कुचल देता है, फट जाता है टूट जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता है। वो पत्थर मारने वाला उस पत्थर को उठाने के लिए जाता है तो सर उसका ठीक हो जाता है, फिर आकर वो मारता है, फिर उसी तरह तोड़ देता है, फिर पत्थर दूर चला जाता है, फिर वहाँ से उठाने के लिए जाता है। तो ये कौन है, ऐसा क्यों हो रहा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नमाज में सुस्ती करने वाले लोग हैं, ये नमाज में सुस्ती करते हैं, ये सुस्ती का मतलब ये पढ़ते तो हैं लेकिन खुशी से नहीं पढ़ते, टाइम टाल के पढ़ते हैं या बेतवज्जो के पढ़ते हैं, तो भी जो पढ़ता ही नहीं सिरे से उसका क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगाएं। ये तो नमाज में सुस्ती करने वाले, अब हम कितने लोग हैं नमाज में कितनी सुस्ती करते हैं, नमाज पर पढ़ते ही नहीं कई कई नमाजें। तो इस वास्ते आपने देखा, अल्लाह ने दिखाया, फिर आपने आगे जब बढ़े तो और देखा कुछ लोग हैं उनके साथ सामने गोश्त बेहतरीन पका हुआ ताज़ा खुशबूदार है, और साथ ही ज़रा दूर एक और हंडिया है जिसमें कुछ बोटियाँ कच्चियाँ हैं, कोई सड़ी हुई है और बदबूदार हो गई हैं, और वो शख्स औरत कोई मर्द वो गली सड़ी हंडिया से बोटियाँ उठा उठा के मज़े से खाता है, और जो अच्छी जो है हंडिया है बेहतरीन पकी हुई ताज़ा ताज़ा है और सही पकी हुई है उसको छोड़ता है। ये क्या तमाशा है जी? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आपकी उम्मत के जानी लोग हैं, वो मर्द हैं जिनकी पाक बीवी हलाल उसके पास मौजूद है, ये इससे अपनी नज़र आगे करके दूसरी औरतों के साथ यारी लगाता है, और इसी तरह एक औरत उसका खावंद मौजूद है उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लेकिन ये उससे आगे बढ़कर दूसरे मर्दों के साथ अपना ताल्लुक जोड़ती है, ये उनकी शक्ल आप सब। और भी बहुत से यानी जिनाकारों के जो है सजाएं हैं बताई हैं, लेकिन इस मेराज के मौका पर जो आपने ये देखा ये चीज़ें, और इसी तरह आपने देखा कि एक लकड़ी है उसके साथ जो गुजरता है उसके कपड़ को पकड़ के फाड़ देती है, या जिस्म लगता है तो वो फाड़ देती है, कपड़ा लगता है तो उसको फाड़ देती है, किसी को छोड़ती नहीं, जो उसके उस पर उसके पास से गुजरेगा उसको ये तकलीफ देती है, ये कौन है जी? फरमाया ये आपकी उम्मत के डाकू किस्म के लोग हैं, बैठते हैं लोग वहाँ से गुजरते हैं उनको ये लूट लेते हैं, उनका माल लूट लेते हैं। और देखा
कि एक शख्स है, लकड़ियों की गठरी उसने बनाई हुई है और भारी गठरी है, उसको उठाने लगता तो उठती नहीं, फिर बजाय उठाने के या होता है कम कर ले ताकि उठाई जा सके, जाता है दूसरी और लकड़ियां और उसके में डाल लेते हैं और उसके अपने गट्ठे को बढ़ा रहा है। भाई ये कौन है ये कि बेवकूफी कर रहा है, उससे पहले ही नहीं उठ रहा तो फिर और डालता जा रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम ने फरमाया ये वो शख्स है आपकी उम्मत का जिसने लोगों के हुकूक देने हैं, गुनाह किए हैं उसने, पहले गुनाहों से तौबा नहीं करता और गुनाह कर लेता है, पहले लोगों के हुकूक अदा नहीं करता, दूसरे ऊपर अपने चढ़ाए चला जाता है। ये सारी चीज़ें आपने अपनी आंखों से देखी हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि टाइम ऐसा होता है, तो हर हाल ये आपने अपनी आंखों से देखी हैं और हमारे लिए इबरत हैं। हम इन गुनाहों से और इसके अलावा जो नहीं भी देख के यहाँ हदीस में जिक्र है, वो भी हर गुनाह गुनाह होता है। उलमा फरमाते हैं छोटा गुनाह भी जिसको समझते हैं, अगर अल्लाह ताला उस छोटे गुनाह को जिसको हम छोटा समझते हैं अल्लाह की नाफरमानी में, वो बहुत बड़ा होता है, हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दे, तो इंसाफ है, जुल्म नहीं। वाकुल कौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाह।